देखो बच्चों, ब्रिज कोर्स का आज थर्ड डे है और इस थर्ड डे में हम लोग आज देखने वाले हैं द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। ये पार्ट जो है वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं और जिस पर डिपेंड हम लोग वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट डे में मतलब सेकंड डे में हम लोगों ने 7 डिजिट्स वाली जो नंबर है उनका रीडिंग और राइटिंग किया था, और उस तरह से ही आज हम लोग देखने वाले हैं कि इनके प्लेस वैल्यू एंड प्लेस जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नंबर लिया है 27,65,043। अभी इसमें हर एक डिजिट्स का हम लोग यहाँ पर प्लेस देखेंगे और उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टू जो है, सॉरी लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले थ्री जो है वो उसका प्लेस है यूनिट और इसीलिए उसकी वैल्यू हो गई 3। उसके बाद फोर उसका प्लेस है 10 और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 मल्टीप्लाई 10 यानी 40। उसके बाद जीरो जीरो इसकी प्लेस है 100, 100 मल्टीप्लाई 0 किया तो आंसर 100 आएगा, इसलिए आंसर 100। उसके बाद फाइव, ये इसका प्लेस है 1000, इसलिए 1000 मल्टीप्लाई 5 किया तो 5000 आएगा। सिक्स इसकी प्लेस है 10000, इसलिए 6 मल्टीप्लाई 10000 इज इक्वल टू 60000। सेवन इसका प्लेस है लैक्स, तो इसकी वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 7 किया तो आंसर आएगा 7 लाख। और उसके बाद टू इसकी प्लेस है 10 लाख, तो 10 लाख 2 मल्टीप्लाई 10 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। तो इस तरह से ये हो गए इनकी प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। अभी उनका एक्सपांडेड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो टू जो है इसका वैल्यू कितनी आ गई है 20 लाख, तो 20 लाख प्लस 7 की वैल्यू कितनी आ गई है 7 लैक्स, तो 20 लैक प्लस 7 लैक। उसके बाद 6 की वैल्यू आ गई है 60000, इसीलिए प्लस 60000। 5 की वैल्यू आ गई 5000 प्लस 5000, 0 यानी प्लस 0। 4 की वैल्यू 40 प्लस 40 एंड प्लस 3। तो इस तरह से मतलब उसको एक्सपांडेड फॉर्म में इस तरह से लिखने का है। तो आपको इसी वीडियो को देखकर आप लोगों को ये असाइनमेंट सॉल्व करना है। देखो इस असाइनमेंट पे भी सेम टू सेम आपको देखो यहाँ पर थर्ड डे आज का और ये दिया है, तो उसमें देखो सबसे पहले आपको वही है राइट द प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बुक्स में बताया वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर कॉलम ड्रॉ किए हैं और यूनिट से लेकर 10 लाख तक के, और यहाँ पर प्लेस वैल्यू एंड नंबर्स दिए हैं। नंबर से 7,28,549 इसके सबके प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है 82,69,82,69,657 इसके भी हर एक डिजिट्स के आपको प्लेस वैल्यू लिखने हैं। उसके बाद है 90,475 यहाँ पर भी आप लोगों को इन सब के प्लेस वैल्यू जो है वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट द नंबर इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाए हैं 96,34,587 यहाँ पर 9 जो है उसका प्लेस कौन सा है 10 लाख का, इसलिए 10 लाख मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 90 लाख। प्लस 6 का प्लेस कौन सा है तो 1 लाख का, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 6 यानी 6 लाख। उसके बाद 3 इसका कौन सा है 10,000, इसलिए 10,000 मल्टीप्लाई 3 यानी 30,000 प्लस 30,000। इसके बाद 4 का प्लेस है 1000, इसलिए उसका 4000। उसके बाद 5 का प्लेस है 100, इसलिए 100 मल्टीप्लाई 5 यानी 500। प्लस 8 का प्लेस है 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 18 एंड 7 का प्लेस है 7 यूनिट प्लेस, इसीलिए प्लस 7। तो इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, तो आपको रिमेनिंग एग्जांपल भी इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने हैं। तो सेकंड एग्जांपल है 40,95,210 एंड थर्ड एग्जांपल है 88,88,888। उसके बाद देखो यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म दिया है जिसका आपको नंबर तैयार करना है। देखो 60,000 + 4,000 + 600 + 70 + 9 तो यहाँ पर नंबर तैयार हो गया 64,679। सेकंड है 80,00,000 + 50,000 + 1,000 + 600 + 9 तो यहाँ पर आपको नंबर तैयार करना है। उसके बाद 20,00,000 + 3,00,000 + 60,000 + 9,000 + 500 + 10 + 7 यहाँ पर उसका नंबर लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक फिगर दी है, ऑब्जर्व द फिगर एंड मेक 7 डिजिट्स नंबर एंड राइट देयर एक्सपांडेड फॉर्म। मतलब यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिया है
तो इसमें 1 से लेकर 7 तक डिजिट के डिजिट है, उनसे आप लोगों को 7 डिजिट वाला नंबर तैयार करना है और उसका इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म जो है वो आपको लिखना है। तो इस तरह से आप लोगों को ये वर्कशीट जो है वो आप लोगों को अपने नोटबुक में सॉल्व करना है।